दोस्तों अगर बात करें हम सबसे सस्ती और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो इंडियन रेलवे का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके टिकट रिजर्वेशन की, तो बहुत ही मुश्किल होता है इसका टिकट बुक कर पाना। और यही वजह है कि इंडियन रेलवे में जो टिकट की बुकिंग होती है उसमें काफ़ी सारी धांधली देखने को मिलती है, और जो एजेंट होते हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूलते हैं टिकट के प्राइस के ऊपर भी। लेकिन IRCTC ने अपने ऐप में, अपने वेबसाइट में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जिसका यूज करके आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं और आपको वहां पे कंफर्म टिकट मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करें बुकिंग की, तो सारा गेम यहां पे सेकंड का होता है। अगर आप एक सेकंड भी लेट हो गए तो आपको टिकट नहीं मिलेगा और फिर से आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे बुकिंग के लिए। सो फ्रेंड, लेकिन अगर आज आप मेरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपको तत्काल टिकट बुक करने में या फिर नॉर्मल टिकट बुक करने में काफ़ी आसान हो जाएगा और आप जल्द से जल्द टिकट बुक करके कंफर्म टिकट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MG Tech Hindi। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए मैं आपको अपने मोबाइल पे लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आप क्या क्या सेटिंग करेंगे अपने IRCTC के ऐप में ताकि आपको कंफर्म टिकट मिल सके। सो फ्रेंड, इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और यहाँ से जो इसकी रिकॉर्डिंग है ऑन कर देता हूँ और जो इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मैं साइड में लगा देता हूँ। सो फ्रेंड, आप मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको IRCTC का जो ऑफिशियल ऐप है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना होगा और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही हो कुछ, तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे IRCTC का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, और ओपन कर लेने के बाद से आपको यहाँ पे जो सबसे टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा इस ऐप में। सो फ्रेंड, यहाँ पे सब पूछ रहा है कि आप 4 डिजिट का पिन डालें। वैसे तो यहाँ पे IRCTC को लॉगिन करने के लिए आपको user ID पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर चुके होंगे तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड डालना होगा ताकि आप अपने IRCTC अकाउंट को लॉगिन कर सकें। तो मैं यहाँ से अपना 4 डिजिट का पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा को भी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सो फ्रेंड, कैप्चा मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। सो मैंने कैप्चा भी फिल कर दिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है उसको क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका IRCTC का जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। सो सबसे पहले जो नॉर्मल यूजर होते हैं करते क्या है, सबसे पहले आएंगे अपना ट्रेन बुकिंग पे और यहाँ से ट्रेन सर्च करेंगे, और जो जिस ट्रेन में भी आपको बुकिंग लेनी होगी उसमें आप बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, और लास्ट में जाते जाते अब पता चलता है कि सारा सीट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो प्री प्लानिंग है वो आपने की ही नहीं। सो फ्रेंड, प्री प्लानिंग कैसे करेंगे? अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है या फिर नॉर्मल टिकट ही बुक करना है तो सबसे पहले आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं टिकट कैसे बुक करूं ताकि आपको कंफर्म टिकट मिल सके। सो फ्रेंड, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बैक आइए। ठीक है, आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे सबसे नीचे आपको माई अकाउंट का ऑप्शन दिख जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे माई मास्टर लिस्ट पे जाना होगा। अभी यहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। सो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है? आपको वहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऐड करने पड़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है वो ऐड करना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको वहाँ पे पेमेंट डिटेल भी फिल करनी पड़ती है। सो अगर इसमें से आपका एक दो स्टेप भी कम हो गया तो आप जाहिर सी बात है जल्दी से जल्दी टिकट बुक कर सकते हैं। उसी रेस में ये जो मास्टर लिस्ट है आपको टाइम कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जैसे ही आप टिकट बुक करते हैं तो यहाँ से पहले ही आप मास्टर लिस्ट सेव कर दें। जैसे मुझे अपनी टिकट बुक करनी होगी तो मैं यहाँ पे 8 पैसेंजर पे जाऊँगा और पहले ही मैं यहाँ पे अपना पैसेंजर का लिस्ट फिल कर दूंगा। सो यहाँ पे पूछ रहा है पैसेंजर टाइप, यहाँ पे आप पैसेंजर का टाइप क्या है, नॉर्मल है या फिर डिसएबिलिटी या फिर जो एस्कॉर्ट पर्सन होते हैं उनके लिए है या फिर जर्नलिस्ट है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल पे सेलेक्ट करके और नेम वाले में मैं अपना नाम फिल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ होगा वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिएगा।
मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर पूछेगा, आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ से बर्थ प्रेफरेंस पूछेगा, तो आप यहाँ पे जो भी आप बर्थ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं लोअर बेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मील टाइप, यहाँ पे आप नॉनवेज हैं या फिर वेज हैं या फिर नो फूड, जो भी आपको करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपनी जो पैसेंजर लिस्ट है वहाँ पे उस पैसेंजर की आईडी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपके पास जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, स्टूडेंट, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड विथ फोटो, यहाँ पे आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। तो इतने सारे यहाँ पे लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट पैन कार्ड डाल देता हूँ, ABCD 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एड पैसेंजर पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं, पैसेंजर डिटेल एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नाम का यहाँ पे एक पैसेंजर लिस्ट ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर आपको 3-4 लोगों का टिकट बुक करना होगा तो आप 3-4 लोगों का यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ऐड पैसेंजर करके सबका डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद से आपको यहाँ पे ट्रेन टिकट बुकिंग पे जाना होगा और यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद से कहाँ तक का आपको टिकट लेना है वो सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे जो कोटा में आके अगर आपको जनरल टिकट चाहिए तो जनरल टिकट ले सकते हैं, या फिर आपको तत्काल वाला चाहिए तो तत्काल ले सकते हैं। तो मैं अभी तत्काल के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो डेट है वो कल का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, 48 आवर्स का टाइम होता है, आप आज का भी ले सकते हैं अगर ट्रेन का जो चार्ट नहीं बना होगा तो, ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारे डिटेल आ जाएगा, और जिसमें भी आपको ट्रेन यहाँ पे जहाँ जिसमें भी अवेलेबल हो सीट वहाँ पे आप ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मुझे कोई अवेलेबल नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अगर लेट सपोज ये वाला अवेलेबल होता, ठीक है, जहाँ पे वेटिंग लिस्ट ट्रेन दिख रहा है वहाँ पे अगर ये सीट अवेलेबल होता तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता और पैसेंजर डिटेल पे यहाँ पे क्लिक कर देता। नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है आप इसको क्लिक कर देंगे बुकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा कि आपको एग्री करना है, मैं एग्री कर देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लोकेशन डाला था गोरखपुर टू न्यू दिल्ली, लेकिन यहाँ पे जो मैं बुकिंग कर रहा हूँ आनंद विहार तक कर रहा हूँ, इसलिए कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एक इन्फो मैसेज है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे पैसेंजर लिस्ट पे आया, डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पैसेंजर, यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एड पैसेंजर करूँगा तो मुझे अब यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपके पास जितने भी पैसेंजर होंगे बस ट्रिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद से यहाँ पे रिव्यू जर्नी पे चले जाना होगा। तो देखिए कितना आसान रहा, यहाँ पे जो आप पेमेंट जो पैसेंजर डिटेल ऐड करने वाला सेक्शन है आपने उसको आसानी से स्किप कर दिया, मतलब आपको जरूरत ही नहीं है पैसेंजर डिटेल ऐड करना, बस आपको किसके साथ सफ़र करना है उसका नाम सेलेक्ट करना होगा और यहां से डायरेक्ट नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे। उसके बाद से आपको यहां पे जो भी कैप्चा है वहां पे कैप्चा एंटर करके, ठीक है, यहां पे कैप्चा एंटर किया, उसके बाद से मैंने एस पे आ गए। उसके बाद से डायरेक्टली आपको यहां पे पेमेंट डिटेल पे आप आ गए। अब यहां से आप पेमेंट डिटेल सेलेक्ट करके आसानी से अपना जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से आप अपना खुद का पैसेंजर लिस्ट बना के और टिकट बुकिंग में अपने टाइम को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। अगर इसमें आपको कुछ भी परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपकी सहायता करूँगा। सो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।